बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातुम नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर इंग्लिश लेक्चर नंबर इज़ 29 एंड वी विल डिस्कस पंक्चुएशन, कॉमा एंड अपॉस्ट्रॉफी। हम ये यूज़ करेंगे पंक्चुएशन के तकरीबन 8 आई थिंक सो सैम्पल्स हैं, इसमें से कॉमा और अपॉस्ट्रॉफी दो सैम्पल्स हम इस लेक्चर में यूज़ करेंगे। आपको पता चलेगा आपने कॉमा कहाँ पुट करना है एंड अपॉस्ट्रॉफी कहाँ आपने यूज़ करनी है। देखिए, हैव वी लुक्ड एट सेंटेक्स एट वॉट मेक्स फॉर गुड इफेक्टिव सेंटेंस, एरर इन द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड सर्टन फीचर्स ऑफ ग्रामर लाइक प्रोनाउंस एंड एंटीसीडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वी विल टर्न टू पंक्चुएशन वगैरह की यह सब कुछ हमने पढ़ लिया। आपको पता है लेक्स लेक्चर में हमने अपना इफेक्टिव सेंटेंस भी कवर किया, एरर्स भी, एंटीसीडेंट और ये सारा कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद। अब हम किसकी तरफ आए हैं? पंक्चुएशन की तरफ। इस लेसन में हम कॉमा और अपॉस्ट्रॉफी के साथ डील करेंगे, टू वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ पंक्चुएशन। कॉमा अपॉस्ट्रॉफी जो पंक्चुएशन के वेरी इंपॉर्टेंट आइटम है। नेक्स्ट देखें, पंक्चुएशन डिपेंड्स अपॉन ग्रामर, ग्रामर पे डिपेंड करती है पंक्चुएशन। अगर आपने सेंटेंस में अपने ग्रामर ठीक यूज़ किया तो यू विल बी एबल टू यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन इन योर सेंटेंस। अनटिल यू अंडरस्टैंड हाउ वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज रिलेटेड टू अनदर। जब तक देखें ना, अब अगर सेंटेंस में दो बातें हो रही हैं, एक बात कंप्लीट होने के बाद यू मस्ट हैव टू पुट कॉमा देयर, आपको कॉमा पुट करना है, तो अब आपको पता ही नहीं जब चलेगा कि स्टिक इफेक्ट। कॉमा जो है कंप्लीट सेंटेंस के बाद कभी भी नहीं यूज होता, उसके कंप्लीट सेंटेंस के बाद तो फुल स्टॉप हम यूज करते हैं ना। दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ अ वेल रिटन सेंटेंस एज आर करेक्टली प्लेस प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स। जो वेल रिटन सेंटेंस है, एक अच्छे से लिखा हुआ सेंटेंस है जिसमें करेक्टली हम प्रोनाउन एडवर्ब सारा कुछ करेक्टली ठीक से हमने यूज़ किया, उस सेंटेंस का पार्ट होता है कॉमा। राइटिंग में क्या होता है, पंक्चुएशन टेक्स द प्लेस ऑफ पॉज, जेस्चर्स, राइजिंग टोन एंड अदर सच फीचर्स ऑफ स्पीच। ऐसे होता है कि हम कभी कभी पॉज लेना चाहते हैं, मतलब हम बात करके रुकना चाहते हैं, वहाँ स्टॉप होना ज़रूरी होता है। जेस्चर्स का मतलब है हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, निशानदेही करते हैं किसी चीज़ की, जो हमारी टून ऊंची आवाज़ होती है या आहिस्ता बोलते हैं, ये सारा कुछ जेंटलनेस, ये उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स जो स्पीच के, वो हमें पंक्चुएशन से पता चलते हैं। ओके, मोस्ट पीपल मेक यूज़ ऑफ सम सिस्टम ऑफ वोकल पंक्चुएशन इन द स्पीच। कुछ लोग ऐसे करते हैं, वोकल पंक्चुएशन का भी इस्तेमाल करते हैं, इसको भी हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, यू विल बी क्लियर अबाउट इट। वोकल पंक्चुएशन मैं आपको बता दूं कि ये होती है कि आप जब बोलने में पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, मतलब आप बोलते अपने सेंटेंस इस तरह से बोलते हैं कि आधा सेंटेंस बोल के रुकते हैं, फिर अगले सेंटेंस में आवाज़ एकदम ऊंची, फिर अगले में एकदम जेंटल पोलाइट हो जाते हैं, इस तरह भी पंक्चुएशन, इसको कहते हैं वोकल पंक्चुएशन। सम सेंटेंस वुड बी क्लियर इनफ विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। कुछ सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क्स के बगैर भी ठीक होते हैं, बट रीडर हैव कम टू एक्सपेक्ट दैट सेंटेंस दैट आर कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे विल बी पंक्चुएटेड इन द सेम वे। लेकिन रीडर को ये एक्सपेक्ट होती है, ये उम्मीद होती है सर्टेन रूल्स ऑफ पंक्चुएशन हैव कम इन टू बींग। इसलिए पंक्चुएशन के बहुत सारे जो रूल्स हैं वो आ चुके हैं, कम इन टू बींग मतलब एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। एंड सेंसिबल रिटर्न्स फॉलो देम। और सेंसिबल राइटर्स, जो अकलमंद सेंसिबल अकल वाले राइटर्स हैं, सिर्फ वो उसे फॉलो करते हैं, नॉट डफर्स। डफर राइटर्स नहीं उसे फॉलो करते, आपने सेंसिबल राइटर बनना है। ओके ना, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन पंक्चुएशन हैव टू डू विद द यूज ऑफ द कॉमर्स एंड अपॉस्ट्रॉफी। अच्छा, मजे की बात है कि ये कॉमा छोटू सा होता है, बिल्कुल आपको पता नहीं, ये कॉमा आपको नजर आ रही है वाला छोटा था, और अपॉस्ट्रॉफी भी ऐसे ऊपर जो थोड़ा सा साइन होता है ना ऊपर, ये जैसे ये देखें, ये चाइल्ड है, ये ऊपर ये कॉमा एस है ना, इसको कहते हैं हम अपॉस्ट्रॉफी। ये सबसे छोटे साइन है पंक्चुएशन में, बाकी साइंस इससे कंपैरिजन करते हुए ना बड़े हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जो बड़ी प्रॉब्लम भी इन दोनों छोटे साइंस को यूज़ करें, मैं इसलिए इस लेक्चर में हम सिर्फ कॉमा और अपॉस्ट्रॉफी डिस्कस करेंगे। वी शैल टेक अप द कॉमा फर्स्ट एंड देन कंसिडर द अपॉस्ट्रॉफी। पहले हमें कॉमा लगाना चाहिए और फिर अपॉस्ट्रॉफी को, सॉरी पहले हम कॉमा को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, फिर अपॉस्ट्रॉफी को। दिस डज नॉट मीन दैट देयर आर नो अदर मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। वो कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि अब और पंक्चुएशन के मार्क्स नहीं है, पंक्चुएशन के और भी मार्क्स हैं। वो कौन से हैं? द कॉलन, सेमी कॉलन, द फुल स्टॉप, पीरियड, द क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, द डैश, कोटेशन मार्क्स, पैरेंथेसिस एंड सिक्योर ब्रैकेट्स,
अदर वेल नोन मार्क्स, ये पंक्चुएशन के मार्क्स हैं, इनको आपने मेमोराइज करना है। बाकी सारा जो मैंने पढ़ा है वो सिर्फ आपने पढ़ना है, लेक्चर सुनना है अच्छे से और समझना है। आपको पता है आपने सिर्फ याद वो करना होता है जो सिर्फ बोल्ड है, हाईलाइटेड है। अब ये पंक्चुएशन मार्क्स दूसरे हैं, इसमें आपने अपॉस्ट्रॉफी और कॉमा भी ऐड कर लेना अगर आपके पास आए क्वेश्चन पेपर में कि पंक्चुएशन मार्क्स लिखे कौन कौन से, ये सारे लिखने हैं और ये कॉमा अपॉस्ट्रॉफी इन दोनों को भी मिला के ये सारे आपने पंक्चुएशन मार्क्स पूरे कर लेने हैं। बट वी शेल फोकस ऑन ग्रेटेस्ट, जो प्रॉब्लम है वो कॉमा अपॉस्ट्रॉफी के हैं, तो हम इस लेक्चर में उसी पर फोकस करेंगे। कॉमा कॉमा देखें, ये कॉमे की सिंबल है, ये कॉमा होता है, इंडिकेट्स अ वेरी शॉर्ट पास, एक बहुत छोटे से वक्फे को इंडिकेट्स करता है, जाहिर करता है। राइटर में डिस एग्री अबाउट अ फ्यू ऑफ इट्स यूज, जो लिखने वाले होते हैं वो उसके कुछ यूज से, इसके कुछ इस्तेमाल से वो डिसएग्री करते हैं, गैर मुतफिक हैं, बट मोस्ट ऑफ देम एग्री अबाउट द फाइव मेन यूज विच विल नाउ कंसिडर। कुछ राइटर्स जो है ना, इसका मतलब मुख्तलिफ तरीके से कॉमे का यूज़ होता है, कहीं किस तरह यूज़ होता है, कहीं किस तरह, अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे और ये इसके यूज़ पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि कुछ राइटर जो इसके इस तरह के यूज़ से डिसएग्री करते हैं, यानी कि इख्तलाफ करते हैं, उससे मुतफिक नहीं होते, लेकिन जो सारे के सारे राइटर हैं वो ये इन पाँच मेन यूज़ जो है ना, इन पर वो एग्री हैं कम्प्लीटली, इसलिए ये पाँच यूज़ को अपने मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है ये। अब आया इंसर्ट कॉमाज वेयर नीडेड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपको अच्छे से याद हो, याद ये नहीं कि आपने इनको रट्टा मारना है, आपने ये कंसिडर करना है कॉमा कहाँ कहाँ लग रहा है। देखें अब, बिफोर लिविंग होम द चाइल्ड्स नानी कलेक्टेड अ मिल्क बॉटल, अ बैग फुल ऑफ डिसअपियर्स, अ ब्लैंकेट एंड अ रैटल। अब देखें कि घर छोड़ने से पहले जो बच्चे की नानी थी उसने क्या किया, कलेक्टेड किया, दूध की बोतल उठा ली, बैग फुल ऑफ डिस्प्योर और ब्लैंकेट कंबल भी और रैटल, और ये सारा कुछ उठा लिया। अब ये सारी चीज़ें देखें, आपको पता है ये बात तो आपको पता होगी बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो किसी भी सेंटेंस में, मतलब ज़्यादा दो चार फ्रूट्स का जिक्र हो जाए, दो चार हैबिट्स का, कोई भी जब ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो ना, एक चीज़ को एक सब्जेक्ट को रेफर कर रही हूँ, तो हम उसमें ऑलवेज कॉमा यूज़ करते हैं। अब इसमें आपको पता है आपने इधर बोतल के बाद, मिल्क बोतल के बाद कॉमा यूज़ करेंगे, बैग फुल ऑफ डिसअपियर्स इसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे, एंड देन ब्लैंकेट के बाद कॉमा नहीं करेंगे क्योंकि एंड आ गया और आ रैटल, ठीक है। जहाँ जहाँ जो जो पहले हमारे पास पाज हैं सब में हम कॉमा यूज़ करेंगे, या मत यानी कि हर चीज़ एक चीज़ के बाद डेफिनेटली आप रुकते हैं, एक कॉमा यूज़ करेंगे, और जो लास्ट चीज़ होती है उसमें रूल याद रखना है। ही इज 80 कॉमा माई ग्रैंड डैड वॉक्स 10 माइल्स डेली, के अगरचे वो 80 साल के हैं और मेरे दादा वो रोज 10 मील चलते हैं, ठीक है। 80 के बाद कॉमा पुट करेंगे आप। द कल्टरी बॉक्स इफ आई रे, अब द कल्टरी बॉक्स बात खत्म हो गई, एक इफ आई रिमेंबर अगर मुझे याद हो तो, correctly is in the big trunk upstairs, वो नीचे upstairs का मतलब होता है ऊपर बड़े ट्रंक में वो पड़ा है। अब देखें कल्टरी बॉक्स बात एक बात हो गई, अब उसने कहा कल्ट्री बॉक्स, अब उसने कल्ट्री बॉक्स कहते हुए ना एक बार सोचते हुए कहा है कि इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली अगर मुझे सही याद हो, हाँ तो वो अपस्टेयर पड़ा है, मतलब इन्हीं के ऊपर पड़ा है। अब देखें एक बात यहाँ ख़त्म होती है, कल्ट्री बॉक्स पे यहाँ हम कॉमा पुट करेंगे, फिर अगर उसने कहा इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली अगर मुझे ठीक से याद हो तो, हाँ तो इधर भी आप कॉमा पुट करेंगे, मतलब एक पॉज आ रहा है उसकी बात में, तीनों बातें एक अलहदा अलहदा पॉज से वो डिस्कस कर रहा है, और फिर वो कहता है इज द बिग बैंग टैंक, ठीक है। यहाँ भी कॉमा पुट करेंगे और यहाँ भी कॉमा पुट करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखें, द पेंट कंपनी डिस्प्ले 30 shades ऑफ कलर बट द फसी लेडीज स्टिल कुड नॉट फाइंड एनी थिंग टू ऑर्डर, कि जो पेंट की कंपनी है वो 30 रंग के शेड जो है वो डिस्प्ले करती है, उसने पेश किए, लेकिन जो फसी लेडी थी, एक वो फसी कह लें आप, एक मतलब ऐसा बंदा होता है जिससे कुछ समझ नहीं आ रही होती, एक होता है ना बंदा जिसे कहते हैं मतलब अपना काम जो तेजी से नहीं कर सकता, बस लो सुस्त होता है, उसको एक टाइम में हम फंसी कहते हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि पेंट कंपनी ने 30 जो कलर हैं 30 डिफरेंट शेड डिस्प्ले किए पेश किए, अब कलर आ गया, बात एक ख़त्म हो गई, इधर हम कॉमा पुट करेंगे कलर के बाद। अब ये कलर बट जो है कंजक्शन हमारा यूज हो रहा है, और दूसरा सेंटेंस क्या है कि जो फंसी ले रही थी उसको कोई भी उसमें से वो फाइंड लगा सकी। देखिए दो टू कम्प्लीट थाट्स इस एक्सपेरा, एक तो थाट कम्प्लीट है कि जो कंपनी है उसने 30 शेड्स डिस्प्ले किए, बात ख़त्म हो गई, दूसरी भी बात अलग है कि जो लेडी है फिर उसको कोई भी उसमें से एनीथिंग वो उसमें से कुछ भी अपना चूज ना कर सकी। टू थॉट्स हैं इसमें, तो पहली थॉट जहाँ कंप्लीट होगी उस पर हम कम अपुट करेंगे, फिर कंजंक्शन के बाद अगला सेंटेंस नेक्स्ट थॉट, ठीक है। द हाउस एजेंट सेड,
अब हाउस से जेंट जो है उसने कहा, क्या कहा भला, ये आपको पता है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने किए मैं छोटी क्लासेस में। अब ये हो गया द हाउस एजेंट सेट, बात खत्म। इट मे टेक यू अ वाइल टू गेट यूज टू द प्लेस, आपको कुछ टाइम लगेगा टू गेट यूज टू द प्लेस के इस घर में सेट होने के लिए, यहाँ आदि होने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा। अब ये जो लफ्ज़ हमने ये आगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हैं ये हाउस एजेंट के वर्ड्स हैं, ना कि उसके के जो सेंटेंस कह रहा है। सेंटेंस तो कोई और बंदा बता रहा है ना, वो हमें बताया कि हाउस एजेंट ने कहा। अब ये वर्ड्स किसके लिए गए, हाउस एजेंट के, तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी। अब जब इन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को हम अलग अलग करने के लिए भी हमेशा कॉमा पुट करते हैं, द हाउस एजेंट सेड, इसके बाद कॉमा आएगा और फिर ये इन्वर्टेड कॉमास में आ गया डायरेक्ट स्पीच, तो ऑलरेडी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नीचे इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप फर्दर इधर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे हम देखते हैं कि पांच जो रूल्स है कॉमा के, कॉमा कहाँ कहाँ यूज होता है, ये रूल्स भी आपने एज इट इज मेमोराइज करने हैं। फाइव रूल्स ऑफ कॉमा, कॉमा रूल्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। ऊपर वाले सेंटेंस तो आपने समझने और एक थे ना याद, लेकिन ये आपने लर्न बाय हार्ट करने हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिटवीन आइटम्स इन सीरीज, आपको पहले बताया जो हमने पहले एग्जाम्पल किया, आइटम्स सीरीज में यूज हो रहे थे ना, कि दूध की बोतल भी, कंबल भी, और ये भी ये भी, और जहां ऐसे आइटम्स सीरीज में यूज हो तो हम उन सब आइटम्स में कॉमा यूज करते हैं, और जो लास्ट आइटम है उससे पहले हम एंड लगा देते हैं और कॉमा नहीं होता। आफ्टर इंट्रोडक्टरी मटीरियल, इंट्रोडक्टरी मटीरियल यानी तारुफ वाले मटीरियल के बाद, हम किसी चीज़ का जब तारुफ करा रहे हों तो उसका जब तारुफ हो जाए, एक पहले तो इंट्रोडक्टरी बिल्कुल फर्स्ट तारुफ है, मतलब अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ, मी योर इंग्लिश टीचर, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश, अब मैं मी के बाद, वैसे ये सेंटेंस इतना बिल्कुल पुट नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ इंट्रोडक्टरी मटीरियल। अब इंट्रोडक्टरी मटीरियल सिर्फ मैंने कहा मी, मैं सिर्फ, यानी कि मी के बाद कॉमा आएगा योर इंग्लिश टीचर, उसके बाद फिर कॉमा पुट करूंगी और फिर आगे आएगा आई एम गोइंग टू, मतलब देखे ना इंट्रोडक्शन के बाद, जब थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन और फिर कॉमा। अराउंड वर्ड्स दैट इंटरप्ट द फ्लो ऑफ ए सेंटेंस, अराउंड वर्ड्स मतलब क्या, अराउंड वर्ड्स इधर उधर से जो लफ्ज आ जाते हैं। अब जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि इधर ये आपके कॉमर्स के रूल हैं बच्चों, और मेरा ख्याल है कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। अब देखें, मैंने कहा है कि ये कॉमर्स के रूल हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ये मेरा पूरा सेंटेंस है। इंग्लिश में इसलिए नहीं कर रही कि आपको उर्दू में ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब मैं बीच में जो मैंने ये बोल रही है ना बात, कि ये मेरा ख्याल है, अब ये इंटरप्ट कर दिया ना इस सेंटेंस को, फॉलो को, पूरा मेरा सेंटेंस तो ये है ना कि बच्चों ये आपके कॉमर्स के रूल हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। अब मैं बीच में कह रही हूँ कि मेरा ख्याल है कि शॉर्ट क्वेश्चन, अब मेरा ख्याल है जिसने इंटरप्ट किया सेंटेंस को। अब देखें तो मैं आपको कहूँगी दीज आर द रूल्स ऑफ कॉमा, दीज आर द कॉमा रूल्स स्टूडेंट्स, एंड फिर मैं कॉमा पुट करूंगी, फिर मैं देखू बोलूंगी आई थिंक, फिर कॉमा, इट विल बी योर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ना कि जो बीच में इंटरप्ट कर रहा है सेंटेंस के फ्लो को, तोड़ दिया जो लफ्ज, जो अल्फाज, कि मेरा ख्याल है या मेरी राय है, कुछ भी हम बोल रहे हैं उससे पहले भी और उसके बाद भी, उसके अराउंड पे, उसके साइड्स पे, दोनों साइड पे काम आता है, ठीक है। फोर्थ देखें, बिटवीन कंप्लीट थॉट्स कनेक्टेड बाय ज्वाइनिंग वर्ड, मतलब जैसे कंप्लीट थॉट्स, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि दो सेंटेंस, एक सेंटेंस में टू कंप्लीट थॉट्स हो रही हैं, तो हमने पहली थॉट कंप्लीट करके कॉमा पुट किया और फिर सेकंड थॉट बाद में आई विद कंजक्शन विद डायरेक्ट कोटेशन, वो हमने ऊपर लास्ट एग्जांपल की डायरेक्ट कोटेशन वाली, आपको पता है ये पांचों अपने लर्न बाय हार्ट करने हैं, ठीक है। अ कॉमा ऑफन मेक्स अ स्लाइट पॉज ब्रेक इन अ सेंटेंस, कॉमा क्या करता है, थोड़ा सा वक्फा, थोड़ा सा तोड़ता है सेंटेंस को। व्हेन यू रीड अ सेंटेंस अलाउड, जब ऊंचे वाले आप एक सेंटेंस को पढ़ते हैं, यू कैन ऑफन हियर द पॉइंट्स वेयर स्लाइट पॉजेस अकर। अब देखिए मैं भी आपके सामने पढ़ रही हूँ सेंटेंस, तो जहां फुल स्टॉप आता है मैं वहां रुक जाती हूँ, कॉमा आ जाता है वहां भी एक मिनट के लिए मैं पास करती हूँ, आपको जब ऊंची आवाज से पढ़े हो फिर आपको पता चलता है कि आपको कहाँ थोड़ा सा रुकना है सेंटेंस में। दिस पॉज ब्रेक्स अकर्स एट द पॉइंट वेयर वन ऑफ द फाइव मेन कम्युनिकेशंस अप्लाई, वो कहता है ये पास ब्रेक वहां आता है जब इन पांचों में से कोई ना कोई चीज हो, ठीक है। इन जनरल यूज अ कॉमा ओनली व्हेन अ कॉमा रूल अप्लाइज, आमतौर पर कॉमा सिर्फ उधर यूज करते हैं जहां कॉमा का रूल अप्लाई हो। व्हेन यू आर इन डाउट अबाउट वेदर और नॉट टू यूज अ कॉमा, जब आपको शक हो कि यहाँ कॉमा यूज हो रहा है या नहीं, तो आपने क्या करना है, इट इज ऑफन बेस्ट टू लीव इट आउट, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप छोड़ दें उसको, वहां कॉमा आप ना यूज करें जहां आपको शक हो, जहां आपके रूल्स के मुताबिक आपको पता हो कॉमा आता है वहां तो आप पुट करें, लेकिन जहां आपको डाउट हो तो आप छोड़ दें, बेटर यही है कि आप उसको लीव कर दें। आगे हम कुछ सारे रूल्स को वन बाय वन देखते हैं, कॉमा बिटवीन आइटम्स इन सीरीज। अब देखें पहले जो हमने रूल पढ़ा इसकी एग्जांपल उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट थ्री और मोर आइटम्स इन सीरीज, किस लिए यूज होता है कॉमा, तीन या तीन से ज्यादा आइटम जो है सीरीज में उनको यूज। अब देखें दो आइटम्स अगर हमारे पास होंगे तो हम लगा देंगे कि आई ईट बनाना एंड मैंगो, टू आइटम्स है यहाँ बनाना एंड मैंगो, तो मैंने एंड लगा दिया, बात खत्म। जब थ्री दो से ज्यादा, तीन या चार या ज्यादा आइटम्स होंगे सीरीज में, तो फिर मैं कॉमा 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 पुट करके लास्ट आइटम से पहले एंड लगाऊंगी, ठीक है।
अब आइटम्स इन सीरीज भी हो सकते हैं, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी, क्लाजेस भी मे बी यूज इन सीरीज एज इन फॉलोइंग एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देखें आप, द विलेज वोमेन सोल्ड पोटरी कॉमा बास्केट्स ब्लैंकेट्स कॉमा एंड सिल्वर ज्वेलरी. ये सारी की सारी चीज़ें जो विलेज वुमन है, एक देहाती औरत है, वो सेल करती है, पोटरी सेल करती है. देखिए अब कॉमा लगा दिया, अब ये सीरीज है ना, पोटरी बास्केट्स ब्लैंकेट्स, अब ये सीरीज है एक चीज़ों की. लास्ट में हमने देखे आप एंड पुट कर दिया. अच्छा बच्चों ये बात भी है, ये जो ब्लैंकेट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी आप सोच रहे हो कहना चाहिए, लेकिन ये कॉमा यहाँ क्यों है, ये इसमें भी ना डिसएग्रीमेंट, जैसे हमने ऊपर पढ़ा राइटर्स का, इसमें भी सेम इस पॉइंट पर भी है. कुछ कहते हैं ब्लैंक्स एंड सिल्वर ज्वेलरी आना चाहिए, मतलब लास्ट में जब हमने एंड लगा लिया तो कॉमा रिक्वायर्ड नहीं है, कॉमा नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं कि उसके बाद भी कॉमा भी आना चाहिए और एंड भी आना चाहिए. अब ये इसमें टू थॉट्स में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो अब आपको जैसे बेहतर लगे कॉमा यूज कर लें तो भी ठीक है, अगर ना यूज करके सिर्फ एंड लगा दें आप तो भी ठीक है. ठीक है, द वुमेन स्प्रेड, हाँ आप देखें इसमें आपने खुद कॉमा पुट करना है, वुमेन स्प्रेड देयर वार्स ऑन द पेवमेंट कॉमा ऑन डोर स्टेप्स कॉमा एंड स्पेशली अंडर ट्रीज इन द टाउन स्क्वायर. कि औरत जो क्या करती है, ये इसमें फ्रेजेस के दरमियान कॉमा लगा हुआ है. देखिए पहले आपको वर्ड्स की एग्जांपल दी, ये सारे लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ बास्केट ब्लैंकेट, और यहाँ के सारे फ्रेजेस हैं. ओन डोर स्टेप यानी अपने घर की सीढ़ी पे, ओन द पेवमेंट्स यानी कि फुटपाथ पे रस्ते में, एंड स्पेशली अंडर द ट्रीज और खासतौर पर दरख्तों के नीचे. मतलब देखे ना ये फ्रेजेज है, पूरा फ्रेज है, ओन डोर स्टेप फ्रेज है, जहाँ जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ड्स था, इधर आपको फ्रेजेस के दरमियान कॉमा नजर आ रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई थिंक जो क्लासेस की एग्जाम्पल है, द ट्राइब एल्डर टू पार्ट इन द डांस, कि जो गांव के बड़े बड़े हैं, ट्राइबल एल्डर्स हैं, गांव के बड़े देहात के बड़े हैं, वो डांस में हिस्सा ले रहे हैं. दे वुमेन सोल्ड प्रीटी एंड ज्वेलरी, उनकी जो औरतें हैं वो पोल्ट्री एंड ज्वेलरी सेल कर रही हैं यानी बेच रही हैं. अब ये पहला फ्रेज और ये दूसरा फ्रेज, उसके दरमियान फिर हमने कॉमा लगाया. तीसरे फ्रेज में भी एंड देयर चिल्ड्रन रन अराउंड हैप्पीली प्लेइंग गेम्स, और उनके जो बच्चे हैं वो आगे पीछे खुशी से खेल खेलते हुए भाग रहे हैं. इधर फिर फुल स्टॉप देखें. अभी सेंटेंस में थ्री क्लासेस यूज हुए हैं, फर्स्ट के बाद भी कॉमा हमने यूज किया, सेकेंड के बाद कॉमा, फिर एंड लगा के तो हमने नेक्स्ट क्लास ले किया. अंडरस्टैंड, नेक्स्ट देखें, द ट्राइबल, ये हो गया. नेक्स्ट नोट किया, डू नॉट यूज अ कॉमा व्हेन द सीरीज कंटेन ओनली टू आइटम्स. फॉर एग्जांपल द कॉलेज कैफेटेरिया नो सर्व सैंडविच एंड कोल्ड ड्रिंक्स. ये मैंने पहले ही ऊपर बता दिया आपको, जब टू आइटम्स हो तो आप आराम से एंड लगा दें, उसमें आपको कॉमा पुट करने की जरूरत ही नहीं है. देखिए हम फर्स्ट जो एक्सरसाइज अपनी वो देखते हैं, फॉलोइंग सेंटेंस इंसर्ट कॉमा बिटवीन आइटम्स इन एन ए सीरीज. ये आपके जो पहला हमने आइटम्स वाला पढ़ा है उसके लिए प्रैक्टिस है आपकी. मोस्ट कंट्रीज नाउ रिसाइकल न्यूज़पेपर्स, कॉमा आएगा इधर, प्लास्टिक बोतल्स कॉमा एंड एल्यूमिनियम कैंस. ये तो इजी है, बहुत इजी, आप खुद अच्छे से कर सकते हैं. वॉकिंग कॉमा फिर जॉगिंग कॉमा एंड बाईसाइकिलिंग आर ऑल इनएक्सपेंसिबल एक्सरसाइज, कि ये सारी की सारी जो है ये सस्ती एक्सरसाइजेज हैं. द लर्नर ड्राइवर वेंट थ्रू अ रेड लाइट स्टीरिड ऑफ द साइड ऑफ अ रोड एंड एंडेड अप ऑन द फुटपाथ. अब देखें इसमें लाइट के बाद कॉमा आएगा, कि रेड लाइट सुरख लाइट है, और फिर स्टीरिड ऑफ ये भी लाइट की निशानी है ना, कि स्टीरिड ऑफ द साइड ऑफ द रोड, कि वो चमक रही थी कहाँ, रोड के साइड पे. पहले तो बात है रेड लाइट थी, कॉमा लग गया, फिर वो इधर रोड के साइड पे चमक रही थी, फिर कॉमा लग गया, और फिर एंडेड अप ऑन द फुटपाथ, और फुटपाथ में वो लाइट खत्म हो जाती थी. फिर यहाँ हम कॉमा लगा के एंड लगा के अपना जो सीरीज का लास्ट जो है वो उसको पूरा कर देंगे. ये आंसर है इसके. रूल नंबर टू, अब देखें कॉमा आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मटीरियल. इंट्रोड्यूसिंग मटीरियल में कॉमा जो आता है, हमने ऊपर रूल नंबर टू पर इसकी एक्सप्लेनेशन है. कॉमा इज यूज सेपरेट इंट्रोडक्टिव मटीरियल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, के जो इंट्रोडक्टिव मटेरियल है उसको सेपरेट करने के लिए दूसरे सेंटेंस से, रेस्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए कॉमा यूज होता है. एग्जाम्पल देखें, आफ्टर द मदर हैड गिवन द बेबी अ बाथ, माँ जो है बच्चे को नहलाने के बाद इट फील एस्लीप, तो वो नींद महसूस करने वाला लगा, बच्चा सोने लगा. अब देखें ना इंट्रोडक्शन तो ये कराया, असर हमारी बात क्या है कि बच्चा जो सोने लगा उसको नींद महसूस होने लगी. हुई कब, आफ्टर द मदर हैड गिवन द बाथ बेबी अ बाथ, कि तब हुई जब माँ ने बच्चे को नहला दिया, उसने उसको गुसल दे दिया या नहला दिया. ये इंट्रोडक्शन है बेबी का जो स्लीप फील कर रहा है, स्लीप यानी कि नींद की कैफियत महसूस कर रहा है, उस बच्चे का इंट्रोडक्शन है कि जिसको मामा, उसकी मामा ने नहलाया, फिर उसके इंट्रोडक्शन बाद कॉमा आ गया, और फिर हमने लगाया कि वो नींद महसूस कर रहा है. ठीक है, पुशिंग एंड शोविंग ईच अदर द लेडीज डस्ट इन टू द सेल्स सेक्शन.
अब लेडीज जो है रश्ड इन द सेल सेक्शन, सेल की जो जगह है जहाँ सेल लगे हैं वहाँ औरतें रश्ड में यानी कि तेजी से वहां जा रही हैं, औरतें कौन सी पुशिंग एंड शोइंग ईच अदर, एक दूसरे को धक्के देती हुई धक्कम पेल करती हुई वो जा रही हैं। अभी औरतों की जो इंट्रोडक्शन है वो ये कराया गया कि वो पुशिंग एंड शोइंग करती हुई जा रही हैं, धक्कम पेल करती हुई जा रही हैं। अभी इंट्रोडक्शन लेडीज का हो गया, इसके बाद आ गया कॉमा, विद द सेरेमनी ऑफ रिलीजिंग डोव्स इन द एयर द फेस्टिवल गॉट ऑफ टू अ रोजिंग स्टार्ट, कि जो फेस्टिवल है त्यौहार है वो रोजिंग स्टार्ट की तरह मतलब एक जैसे अच्छे तरीके से शुरू हो गया। फेस्टिवल कौन सा, विद द सेरेमनी ऑफ रिलीजिंग डोव्स इन द एयर, के डोव्स का मतलब होता है फाख्ताएं जो है, फाख्ता सेरेमनी होता है तकरीब, किसी त्यौहार की होगी ना तकरीब के जो फाख्ताएं हैं उनको रिलीज करना, आज़ाद कर देना हवा में। अब इस फेस्टिवल से ये जुड़ा हुआ है, इसका ये इंट्रोडक्शन है कि फेस्टिवल की सेरेमनी क्या है कि फाख्ताओं को हवा में छोड़ देना, रिलीज कर देना, आज़ाद कर देना। उसके बाद इंट्रोडक्टरी मटेरियल के बाद हमने कॉमा पुट किया और फिर हमने रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगा दिया। ओके नोट क्या करना है अपने, द कॉमा में बी ओमिटेड इफ द इंट्रोडक्टरी फ्रेज क्लॉज इज सो शॉर्ट दैट मिस रीडिंग इज अनलाइकली। आप इस तरह है कि अगर बहुत छोटी आपकी क्लाज है आपको समझ ही नहीं आ रही, अगर आप कामा लगा लेंगे तो आप मिसलीड हो जाएंगे सेंटेंस में, यानी कि आप गलत उसका मतलब लेंगे तो आप कामा मिस कर दें। एज द फ्लेम रोज द क्राउड गेव अ शाउट, कि जब फ्लेम्स रोज जब शोले बुलंद हुए तो क्राउड यानी कि जो था क्राउड हजूम को कहते हैं, उन्होंने अपनी चीखें भी बुलंद की। अब ये क्राउड के तरफ ये इशारा तो है फ्लेम रोज, कि क्राउड ने कब अपनी चीखें बुलंद की, ये इस सेकंड सेंटेंस का इंट्रोडक्टिव तो है ना जब ये फ्लेम रोज हुए, लेकिन इधर आप कामा नहीं पुट करेंगे, एज द फ्लेम रोज कामा पुट कर देंगे तो इधर आप पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ वजह क्या है, इंट्रोडक्टिव फ्रेज सो शॉर्ट है, इतना शॉर्ट है कि आप मिसलेड हो सकते हैं। आप अगर एज द फ्लेम लो फ्लेम्स रोज इधर कॉमा लगा दें कि जैसे ही शोले ऊंचे हुए रोज हुए मतलब बुलंद हुए, कॉमा अगर आप पुट कर दें, पर करना नहीं है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल पुट कर दें तो क्या होगा, द क्राउड गेव अ शाउट, तो जो क्राउड है उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब आपको इस चीज का इस चीज से एक वो वाला फ्लो कनेक्शन नहीं नजर आ रहा जो आपको ऊपर वाले सेंटेंस में एक उसके इंट्रोडक्शन से नजर आ रहा था, इसलिए आपने इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, इट कैन मिसलीड यू सो यू डू नॉट कॉमा इन दिस सेंटेंस। प्रैक्टिस करते हैं आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा बच्चों, पहला सेंटेंस प्रैक्टिस कर देखें। आपने इसमें भी ऐसे ही जैसे ऊपर किया सीरीज में कॉमा पुट किया था, इसमें अपने इंट्रोडक्टिव वर्ड के बाद अपने कॉमेस पुट करने हैं। पहला सेंटेंस देखे, व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ द चिल्ड्रन लेट आउट अ लाउड येल, कि जब बिजली गई तो बच्चों ने एक ऊंची सी चीख मारी। अब वेंट ऑफ के बाद इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया, बच्चों ने जब बिजली गई तो बच्चों ने चीख मारी, ऑफ के बाद हम कॉमा पुट करेंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके ड्यूरिंग द ऑपरेशन द डॉक्टर एक्सीडेंटली ड्रॉप द मेडिसिन बोतल ऑन द फ्लोर, कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर से एक्सीडेंटली मतलब गलती से वो बोतल जो मेडिसिन की थी वो फर्श पर गिर गई। अब एक्सीडेंटली ड्रॉप द बोतल, एक्सीडेंटली ड्रॉप द बोतल तो एक्सीडेंटली हुआ, अब हुआ कब ये एक्सीडेंटली ड्रॉप जो बोतल हुई, ये हैपनिंग हुई डॉक्टर से कब हुई, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग द ऑपरेशन अपना इंट्रोडक्टिव फ्रेज, इसके बाद हम कॉमा पुट करेंगे, रेस्ट ऑफ सेंटेंस फिर आ जाएगा। थर्ड देखें, डिसअपॉइंटेड बाय द बैट्समैन परफॉर्मेंस द फैंस थ्रू बोटल्स एंड फ्रूट पील एट द फील्ड मैन, के बैट्स की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट नाउमीद होते हुए लोगों ने जो फैंस थे उनके उन्होंने बोतलें और फ्रूट पील फ्रूट्स के छिलके उस पे फील्ड मैन पे फेंके। वेल अब देखें, डिसअपॉइंट किससे हो रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन से, इसमें आप और फिर उन्होंने क्या किया, इसका नतीजा क्या हुआ, उन्होंने ये छिलके फेंके। अब इसका छिलके फेंकने और बोतलें फेंकने का फील्ड्समैन पे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कि उन्होंने वो डिसअपॉइंट पहले हुए ना, इसके इंट्रोडक्शन के बाद बैट्समैन परफॉर्मेंस के बाद हम यह कॉमा लगाएंगे और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आफ्टर वेटिंग इन द क्यू, लाइन में इंतजार करने के बाद फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, अब 2 घंटे लाइन में इंतजार करने के बाद यहाँ आज के बाद कॉमा आ गया, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। द स्टूडेंट्स वर टोल्ड दैट द ऑफिस हैड रन आउट ऑफ द एडमिशन फॉर्म, कुछ बच्चों को तब बताया गया कि जो ऑफिस है वो एडमिशन फॉर्म्स के लिए बंद हो गया। थर्ड रूल देखें, पुट अ कॉमा अराउंड वर्ड्स दैट इंटरप्ट अ फ्लो ऑफ सेंटेंस, अब इसके हम थर्ड रूल की प्रैक्टिस करते हैं। समटाइम्स सेंटेंस कंटेन मटेरियल दैट इंटरप्ट द फ्लो, वही मैंने आपको बता दिया ऊपर एग्जांपल, तो वो कहते हैं समटाइम्स ऐसा होता है बाजूकत किसी सेंटेंस में ऐसा मटेरियल होता है जो फ्लो को तोड़ता है, सच वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शुड बी सेट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ऐसे लफ्जों को रेस्ट ऑफ बाकी सेंटेंस से जो है वो सेपरेट करना चाहिए बाय कॉमा। देखें ना, माई मदर हु इज़ वेरी ओल्ड कंप्लेन्स दैट आई डू नॉट गिव हर एनफ टाइम, कि मेरी अम्मी
मेरी अम्मी ने शिकायत की कि मैं उनको ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ, अब ये बात खत्म है। अब हु इज वेरी ओल्ड, ये एक एक्स्ट्रा चीज है ना जो माई मदर और जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है उसके फ्लो को तोड़ रही है कि मेरी अम्मी जो कि बहुत बूढ़ी हैं उन्होंने शिकायत की कि मैं उन्हें ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। अब ये चीज हु इज वेरी ओल्ड उसके फ्लो को इंटरप्ट कर रही है, तो हम इसके पहले भी कामा और इसके बाद भी कामा पुट करेंगे, ठीक है। वन वे ऑफ टेस्टिंग द इंटरप्शन ऑफ द फ्लो ऑफ थॉट इज टू रीड अलाउड। वही बात, आपको जब भी किसी चीज में डाउट हो आपने उसको अच्छे से उसको टेस्ट करना हो खुद, तो आप उसको रीड अलाउड यानी ऊंची आवाज से पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा। इफ यू रीड अलाउड द अबव सेंटेंस यू कैन हेयर, हाँ अगर आप इस सेंटेंस को भी ऊंची आवाज से पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वेरी ओल्ड जो है वो इंटरप्ट कर रहा है, फ्लो को तोड़ है सेंटेंस के। तो इस इंटरप्शन से हम बाद में भी कामा यूज करेंगे और पहले भी कामा यूज करेंगे। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, द ओनर ऑफ द हाउस घर का जो मालिक है ग्रैम्बलिंग एंग्रीली गुस्से से पकड़ते हुए क्या किया, केम आउट ऑफ द हाउस टू क्लेम द हिज डॉग, बाहर आ गया अपने जो कुत्ता है उसको क्लेम करने के लिए, यानी कि उसको एक किस्म का उस पर इल्जाम देने के लिए। अब ये ग्रैम्बलिंग एंग्रीली अगेन वो यूज हो रहा है, इंटरप्ट कर रहा है सेंटेंस को हमारे, तो हम इससे आगे पीछे कामा यूज कर देंगे, ठीक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे सेंटेंस को, वर्ड को। नेक्स्ट देखे बच्चों, द कॉलेज विच वॉज बुल्ट, अब कॉलेज क्या है, नीड्स अ फेस लिफ्ट, कॉलेज को एक फेस लिफ्ट की जरूरत है, बात खत्म। अब ये देखिए इसको इंटरप्ट कर रहे हैं ना, विच वॉज बिल्ड इन 1937 जो 1937 में बना था कॉलेज, उसको फेस लिफ्ट की जरूरत है, ये चीज इंटरप्ट कर रही है, तो हमने इसके आगे पीछे कामा लगाया। द कॉलेज ऑडिटोरियम, कॉलेज का ऑडिटोरियम जो है इज इन फेयरली गुड कंडीशन, वो अच्छी कंडीशन में अच्छी सूरत हाल में है। अब ऑल दो अगरचे, अब ये अगेन इंटरप्ट कर रहा है, तो हम इसके भी शुरू बाद में कामा लगाएंगे। प्रैक्टिस नंबर 3 हम देख लेते हैं, इसमें आपने क्या करना है वही करना है जो ऊपर की प्रैक्टिस में किया, इनसाइड कामा करना है उन वर्ड्स के दरमियान। द हाउस बुल्ट ऑफ वाइट स्टोन वॉज फाइनली कम्प्लीटेड इन 1980। अब हाउस बुल्ट ऑफ वाइट स्टोन जो श्वेत पत्थरों से घर बना हुआ है, कॉमा वॉज फाइनली कम्प्लीटेड इन 1980, वो उसमें 1980 में 1890 में, सॉरी कम्प्लीट, सॉरी स्टूडेंट्स, इसका आप ऐसे करना है, द हाउस इसके बाद कामा लगाएंगे कि घर जो है वो 1980 में फाइनली कम्प्लीट हो गया था। सेंटेंस असल हमारा ये है, द हाउस बुल्ट फाइनली कम्प्लीटेड इन 1980, तो ये ऑफ वाइट स्टोन जो है लगा हुआ ये हमारा है इंटरप्शन। द हाउस बुल्ट कामा लगाएंगे, ऑफ द हाउस बुल्ट कॉमा ऑफ वाइट स्टोन कॉमा वाज फाइनली कम्प्लीटेड इन 1890, ये वाइट स्टोन वाला जो हमारा फ्रेज है ये इंटरप्शन है, इसके आगे पीछे कॉमा लगाएंगे। द पार्क 40 acres ऑफ प्राइम लैंड प्रोवाइड्स अ फाइन व्यू फॉर द सराउंडिंग ऑफ बिल्डिंग्स, कि जो पार्क है वो सराउंडिंग बिल्डिंग्स साइड्स की बिल्डिंग के लिए फाइन व्यू, अच्छा व्यू, एक अच्छा नज़ारा पेश करता है। अब द पार्क किधर गया, द पार्क प्रोवाइड्स अ फाइन व्यू, ये असल सेंटेंस हमारा कि जो पार्क है अच्छा नज़ारा पेश करता है। अब ये 40 acres ऑफ प्राइम लैंड जो है ये हमारे चारों पाँचों लफ्ज़ जो है ये इंटरप्शन है। फिर द पार्क के बाद हम कामा लगाएंगे, कामा पुट करके 40 acres ऑफ प्राइम लैंड, फिर कामा पुट करेंगे और फिर हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके। द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड विच रिजेंबल्स दैट ऑफ कश्मीर इंस्पायर्ड हिम टू राइट हिज नावल, कि स्विट्जरलैंड की सीनरी जो कश्मीर से मुशाबत रखी थी उसने इसको इंस्पायर किया, मुतासर किया नावल लिखने के लिए। अब इसमें असल बात तो यह है कि स्विट्जरलैंड की सीनरी ने इसे नावल लिखने के लिए मुतासर किया। अब जो रिजेंबलेंस ऑफ कश्मीर है ये अगेन इंटरप्शन है, हम इसमें ऐसे करेंगे, सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड कॉमा विच रिजेंबल्स दैट ऑफ कश्मीर कॉमा इंस्पायर्ड हिम टू राइट हिज नावल, ओके। लैला हु वॉज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस, लैला की पे बात खत्म हो गई ना, लैला कॉमा हु वॉज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस कॉमा यील्ड एट द बॉयज हु स्पाइल्ड टी ऑन हर, कि लैला जो नए कपड़े पहने हुए थे उन लड़कों पे चीखी जिन्होंने उस पर चाय गिरा दी थी। अब लैला उन लड़कों पे चीखी जिन्होंने उस पर चाय गिरा दी थी, बात खत्म है। वेयरिंग न्यू ड्रेस ये इंटरप्ट कर रहा है, तो इसके आगे पीछे हम कॉमा पुट करेंगे। रूल नंबर 4 देखते हैं, कॉमा बिटवीन कंप्लीट थॉट्स कनेक्टेड बाय जॉइनिंग वर्ड, ये सबसे ईजी है जो फोल वाला रूल है ना। When two complete thoughts, आपको पता है कंबाइन एक सेंटेंस में हो रही हो और वो कंजक्शन के जरिए एंड बट और सो ये सारे के सारे कंजक्शन आपने पहले भी पढ़े हुए, इनके जरिए वो अलहदा होती हैं, तो कंजक्शन से पहले हम कॉमा यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, मुल्तान इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन पाकिस्तान, मुल्तान पाकिस्तान का एक कदीम शहरों में से एक शहर है, कॉमा एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, और ये बहुत दिलचस्प भी है, मुल्तान एक कदीम शहर है, बात खत्म। वन थॉट कम्प्लीट, तो हम कॉमा पुट करेंगे फिर कंजक्शन से पहले जो सेकेंड सेंटेंस हमारा आ रहा है उससे पहले हम कामा पुट कर देंगे, ओके। सम हिस्टोरियन क्लेम दैट उच शरीफ ये एक मेरा मजार कह लें आप वो है, एंड अदर सिटी इन पंजाब इज ओल्डर,
कि उच्च कुछ जो हिस्टोरियन है वो ये क्लेम करते हैं, वो ये कहते हैं कि उच्च शरीफ जो है कॉमा एन अदर सिटी इन द पंजाब इज ओल्डर, पंजाब का एक और शहर है जो कि पुराना है, बट ऑल एग्री दैट द इंडस वैली हैज़ बिन कंटिन्यूसली इनहैबिटेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, लेकिन सारे के सारे इस बात पर मुतफिक हैं कि जो इंडस वैली है यानी कि दरियाए सिंध की जो वादी है वो इससे ज्यादा पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। अब देखो बच्चों कि हिस्टोरियंस क्लेम ये करते हैं कि उच्च शरीफ है, कॉमा लग गया, एन अदर सिटी इन द पंजाब, इसके बाद भी अब ये एक थॉट कंप्लीट हुई कॉमा, सेकंड थॉट को हम कामे से पास, और फिर जब ये बट आ गया हमारा कंजक्शन, इसके बाद तो आपको पता है कॉमा लगना ही लगा है कि पहला उच्च शरीफ के बारे में है जो कि पंजाब में है सेंटेंस, एक थॉट कंप्लीट होती है, दूसरी थॉट इंडस वैली के बारे में है, तो इन दोनों थॉट के दरमियान हम कॉमा लगाएंगे, और ये कॉमा जो हमने लगाया ये हमने इसके एक सेंटेंस के टू फ्रेजिस में हमने क्योंकि पास लेना है कि कुछ इस पर बिलीव करते हैं कि जो पंजाब का दूसरा शहर है। अब ये एन अदर सिटी इन पंजाब जॉब ये जो है ये एक किस्म का एडिशनल है, इंटरप्ट कर रहा है सेंटेंस को। देखे ना, बात तो ये है कि उच्च शरीफ जो है वो कुछ बिलीव करते हैं कि उच्च शरीफ जो है वो पुराना है, और लेकिन सारे के सारे एग्री के हैं इंडस वैली ज्यादा पुरानी है। अब ये उच्च शरीफ पुराना है जो कि पंजाब का एक पुराना सिटी है, अब ये जो कि पंजाब का एक पुराना सिटी है ये इंटरप्ट कर रहा है सेंटेंस को, इन दोनों सेंटेंसेस को। अब इसमें हम कॉमा इंटरप्शन की वजह से यूज करेंगे ऊपर थ्री प्रैक्टिस के मुताबिक, जबकि फोर प्रैक्टिस का असल कॉमा वो ये आया है कि दो फ्रेज को, पहले को और दूसरे को, दो कंप्लीट थॉट्स को हमने अलहदा कॉमे से जरिए किया। समझ आ गई होगी आपको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था तब ज्यादा एक्सप्लेन किया। देखिए अगर परहैप्स यू हैव रीड अबाउट दिस ओल्ड सिटी, शायद आपने इस पुराने शहर के बारे में पढ़ा हो कॉमा, और परहैप्स यू हैव इवन विजिटेड उच्च शरीफ, शायद आपने कभी उच्च शरीफ में शहर भी किया हो, वहाँ का विजिट भी किया हो। अब पढ़ा हो आपने एक थॉट कंप्लीट कॉमा, और शायद आपने उसका विजिट भी किया हो, दूसरी थॉट से पहले हमने कॉमा लगा दिया, और अगेन कंजक्शन है। मनी मे नॉट बाय हैप्पीनेस, जो पैसे हैं वो खुशियाँ नहीं खरीदते, बट इट इज़ डेफिनेट, इट डेफिनेटली मेक्स मिजरेबली बियरेबल, मिजरी बियरेबल, ये जो है गुर्बत है उसको काबिल बर्दाश्त, मिजरी का मतलब है बेचारगी को काबिल बर्दाश्त बना देते हैं। टू सेंटेंस टू थॉट्स हो रही हैं, तो हमने इसके बीच में भी कॉमा यूज कर लिया। काफ़ी डिटेल्ड है मुझे लगता है बच्चों, बल्कि मुझे यकीन आई एम श्योर कि आपको इंशाल्लाह समझ आ रही होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉमा यूज़ करना, इसको बच्चे कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये राइटिंग की एक किस्म के बिगेस्ट मिस्टेक कह लें, इसलिए आपने इसको ध्यान से नोट करना है। नोट क्या करना है, डू नॉट ऐड अ कॉमा जस्ट बिकॉज अ सेंटेंस कंटेन द वर्ड ऐड बट ऑल्सो। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ऐड बट सो, मतलब ये वर्ड्स लग गए तो तब कॉमा यूज कर, नहीं, आपने इन वर्ड्स का ध्यान रखना, आपने ध्यान रखना है टू कंप्लीट थॉट्स का, कि आपने बिटवीन टू कंप्लीट थॉट्स कॉमा यूज करना है, नॉट बिफोर दीज वर्ड्स। ओके, ये बात आपने जरूर मेमोराइज करनी है। ईच ऑफ दीज थॉट्स मस्ट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। हाँ, और हर एक थॉट का अपना अपना सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, यानी कि एक जाहिर है एक सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट वर्ब होता है तभी वो थॉट कंप्लीट होती है ना, और दूसरे में भी ऐसा ही होता है। आपने इन एंड बट शो को देख के कामा नहीं लगाना, थॉट्स को देख के कामा लगाना, ठीक है। और थॉट्स का आपको कैसे पता चलेगा, पहली थॉट्स का अपना सब्जेक्ट वर्ब होगा, दूसरी का अपना होगा, मतलब दो अलग अलग बातें होंगी। शमा स्पेंड द मॉर्निंग इन द कॉलेज, शमा ने सुबह कॉलेज में गुजारी। देखें, शमा सब्जेक्ट है, स्पेंड क्या आया वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, थॉट कंप्लीट हो गई तो हमने कामा पुट कर दिया। एंड देन शी वेंट टू द सिविल सेक्रेटरीट, फिर वो सिविल सेक्रेटरीट में गई, और अब देन शी कौन है, शमा की तरफ रेफर हो रहा है, शी यहाँ सब्जेक्ट है और वेंट क्या है वर्ब, अब इसका भी अपना सब्जेक्ट वर्ब है, इसका भी अपना सब्जेक्ट वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ कॉमा पुट कर दिया, ठीक है। अगे शमा स्पेंड द मॉर्निंग इन द कॉलेज एंड वेंट टू द सिविल सेक्रेटरीट। हाँ, ये देखें कि शमा ने अपनी सुबह कॉलेज में गुजारी और सिविल सेक्रेटरीट गई, और फिर वो सिविल सेक्रेटरीट चली गई। अब फिर सिविल सेक्रेटरीट चली गई, कौन चली गई, इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना, देन वेंट टू सिविल सेक्रेटरीट, फिर सिविल सेक्रेटरीट चली गई, वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, देखें। और इस एंड से पहले हम कॉमा पुट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेकंड सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीट थॉट नहीं देता, ये इस पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम इस पे कॉमा नहीं पुट करेंगे। अगर तो इसका सब्जेक्ट वर्ब आएगा, जैसे शी और वेंट इसमें आ गया, हम कॉमा पुट कर देंगे एंड से पहले, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, आपको पता है सेकंड में सब्जेक्ट हमें नहीं नजर आ रहा, तो हम यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे। प्रैक्टिस फोर देखें, इंसर्ट कॉमा बिफोर ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग वर्ड से पहले अपने कॉमा लगाना है। पहला सेंटेंस देखें, द क्रिकेट टीम हैज लॉस्ट 5 मैचेस इन रो बट दे आर एज पॉपुलर, कि क्रिकेट टीम जो है उसने 5 मैच हार दिए लेकिन फिर भी वो मशहूर रही। अब 5 मैच कहाँ आ रहे, रो लाइन में 5 मैच आ रहे, कॉमा लगेगा बट दे आर, अब देखें क्रिकेट टीम है सब्जेक्ट
और हैज लॉस्ट हमारा वर्ब आ गया, तो इसका मतलब है पहली थॉट कंप्लीट है, रो के बाद हम कामा लगा सकते हैं। दूसरी भी थॉट हमने चेक करनी है, दे आर, दे जो है हमारा सब्जेक्ट आ गया, दे इसका क्रिकेट टीम का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है और आर हमारे पास वर्ब भी है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें भी, मीन्स ये सेंटेंस कंप्लीट थॉट्स हैं इसमें, तो हम रो के बाद कामा लगा देंगे। कोसर वॉज नॉट वेयरिंग हर रीडिंग ग्लासेस, कोसर ने अपनी पढ़ने वाली ग्लासेस नहीं लगाई, सो शी कुडंट रीड द फाइन प्रिंट इन द डिक्शनरी, तो उसको फाइन प्रिंट मतलब अच्छे से प्रिंट डिक्शनरी में नहीं नजर आ रहे थे। अब शी भी है, कुड नॉट भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और यहाँ भी कोसर भी है और वाज नॉट भी है, वाज नॉट वेयरिंग, ये सब्जेक्ट और वर्ब इसमें भी है, तो हम सो के से पहले ग्लासेस के बाद कामा पुट कर देंगे टू कंप्लीट थॉट्स के दरमियान में। ओके, आई यूज टू एबल टू प्ले इन द सितार वेरी वेल बट नो आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं जो सितार को अच्छे से चलाना जानता हूँ लेकिन अब भी मैंने प्रैक्टिस नहीं है इसलिए, बट नो आई एम, अब बट नो आई एम, आई जो हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया वर्ब, तो इसमें भी आई भी सब्जेक्ट है और यूज क्या हो गया वर्ब, अब दोनों चीजें दोनों दोनों सेंटेंस में मौजूद है, वेल के बाद हम कामा लगा देंगे। ठीक है, इट इज नॉट अ फेस्टिवल प्रिसाइजली नॉर इज इट अ विलेज फेयर, ना तो ये अच्छे तरीके सही तरह से त्यौहार था एक, और ना ही ये गांव का मेला था, देहाती मेला जिसे कहते हैं। अब इट इधर हो गया हमारे पास सब्जेक्ट और इस जो हो गया वर्ब हो गया, प्रिसाइजली के बाद हम लगा देंगे कॉमा, नॉर के बाद फिर इस क्या हमारे पास वर्ब है और इट क्या है सब्जेक्ट, यहाँ भी दोनों चीज़ें तो प्रिसाइजली के बाद हम लगा देंगे कॉमा। ठीक है बच्चों, आगे मुझे लगता है ये आपके इन्हीं के आंसर्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। फाइव नंबर जो रूल है हमारा वो देखें, कॉमा विद डायरेक्ट कोटेशन, डायरेक्ट कोटेशन के साथ कॉमा, इसके एग्जांपल देखें, कॉमर्स आर यूज टू सेपरेट डायरेक्ट कोटेड मटेरियल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ऊपर एग्जांपल पढ़ी आपको पता है इसका, द कोच शाउटेड मूव एंड मूव फास्ट, कोच ने चिल्लाया क्या कहा उसने, तेज 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 भागो, फुटबॉल का कोच होगा ना मतलब वो भाग उन्हें क्या होगा जल्दी पकड़ो भागो, अब ये कोच के वर्ड्स है ना, तो हमने कॉमर्स लगाए और यहाँ हमने कॉमा पुट कर दिया। द स्टूडेंट्स एंड बच्चों ने कहा, कॉमा लगाया, डू यू माइंड इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, अगर मैं सवाल पूछूं तो आप माइंड करेंगे क्या, अब ये उनके बच्चों के वर्ड्स थे ना तो इसलिए इनसे पहले हमने ये कॉमा लगा दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को तो आराम से पता चल जाता है क्योंकि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो कॉमेज में लिखी होती है, इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो उससे पहले हम कॉमा लगाएंगे। द कस्टमर ग्रैम्बल टू द वेटर, कॉमा हो गया तो फिर आगे ही हमने डायरेक्ट स्पीच लगा दी। ठीक है, नोट क्या करना है आपने, वेन द कॉमा कॉम्स एट द एंड ऑफ डायरेक्टली कोटेड वर्ड्स, डायरेक्टली कोटेड वर्ड्स के एंड पे जब कॉमा आएगा, इट इज इंक्लूडेड विद इन द कोटेशन मार्क्स, तो कोटेशन मार्क के साथ वो इंक्लूड होगा। आफ्टर दिस क्लास, देखें, आफ्टर दिस क्लास कॉमा विस्पर्ड वन स्टूडेंट टू हर फ्रेंड, अब देखें ऐसा नहीं होता हमेशा कि जो डायरेक्ट कोटेशन है वो सेंटेंस के बाद में आए, इन दोनों में तो बाद में आ रहा है, ऊपर जो हमने पढ़ा उसमें भी बाद में आया, लेकिन ये जो एग्जाम्पल देखें, आफ्टर दिस क्लास, इस क्लास के बाद, अब ये डायरेक्ट क्वेटेड है, विस्पर वन स्टूडेंट टू हर फ्रेंड, एक स्टूडेंट ने अपने दूसरे दोस्त के कान में सरगोशी की, अब उसके अल्फाज है ना जो उसने सरगोशी की, आफ्टर दिस क्लास, किस क्लास के बाद, लेट्स गो टू द कैफेटेरिया, हम कैफेटेरिया में जाएंगे, अब उसका आधा डायरेक्ट स्पीच ये है, आधी बाद में डायरेक्ट स्पीच, अब जब इस तरह डिस्पर्स हो जाए डायरेक्ट स्पीच या पहले आए डायरेक्ट स्पीच, तो जब भी पहले आएगी डायरेक्ट स्पीच तो कामा आपको डायरेक्ट स्पीच के साथ लगाना हो पड़ेगा। इधर तो देखें ना आप डायरेक्ट स्पीच के बगैर कामा लगा रहे हैं ना, ये इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट स्पीच है, इधर भी ऐसे है, तो उससे बाहर हमने कामा लगाया, लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच पहले आएगी तो हम उसके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही कामा लगाएंगे। समझ आ रही है ना बच्चों आपको, ये थोड़ा सा ब्रीफ पॉइंट है, आपने इसको ग्रेस्प करना है कि जब ये डायरेक्ट स्पीच बाद में आएगी तो वो इन्वर्टेड कॉमास में अलग आएगी और इनडायरेक्ट स्पीच के बाद हम कॉमा लगाएंगे, लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच पहले आएगी तो हम उसी के बाद कॉमा लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही, और बाद में वो आके दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच और फिर कॉमा और फिर ये डायरेक्ट स्पीच हमारी आगे। क्लियर हो गया, प्रैक्टिस करते हैं, यू विल बी मोर क्लियर। इंसर्ट कॉमर्स टू सेट ऑफ कोटेड मटेरियल, कोटेड मटेरियल को हमने साइड पे अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे। वी आर रेडी टू लीव, हम जाने के लिए तैयार हैं, अब आ गया ना डायरेक्ट सेंटेंस, इधर हम कॉमा लगाएंगे। सेड अ चीयरफुल वॉइस ऑन द बस माइक, बस के माइक में एक खुशगुन आवाज ने कहा, अभी आवाज ने जो कहा वो डायरेक्ट स्पीच है, तो हम लीव के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर ऊपर वाले इंटरवर्टेड कॉमास बाद में आएंगे और फिर आगे बाकी आएगा। दिस बुक, ये किताब, अब बुक के बाद कॉमा लगाएंगे, ऊपर वाले कॉमास बाद में आएंगे, छोटे नीचे वाले कॉमा के बाद। ठीक है, कंप्लेन द स्टूडेंट टू द बुक स्टोर ऑनर, बच्चों ने जो बुक स्टोर के ऑनर है उससे शिकायत की, इट इज 20 रुपीज चीपर एट द अदर स्टोर, ये दूसरे स्टोर जो है उनसे 20 रुपए चीपर सस्ती होनी चाहिए।
अब इधर ऑनर के बाद भी कम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच आगे शुरू हो रही है, ऑनर के बाद कामा लगाएंगे और एक बुक के बाद हम कामा लगाएंगे, ठीक है, ये दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाएंगे। द कैशियर सेड, कैशियर ने कहा, कॉमा इन दोनों कॉमास के बाहर आएगा, ठीक है, सेड के बाहर आएगा। ये बात बारीक पॉइंट है बच्चों, ये आपने जरूर नोट करना है, इससे आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है। द कैशियर सेड कॉमा, फिर आगे ऊपर वाले कॉमास, वी डू नॉट टेक चेक, हम चेक जो है वो नहीं लेते होते, ठीक है, हम चेक नहीं ले रहे। आगे ये इसका सलूशन है, इसी का रिव्यू आपका क्या है कि अगर आपने देखना है, इफ़ यू कैन नाउ कैन रिकॉग्नाइज विच रूल्स अप्लाई टू सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द कॉमास आर रिक्वायर्ड। अगर आपने, आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है पांचों में से, तो आप पहले तो वो जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ कॉमा लगना है, कॉमा बिटवीन आइटम्स। अब कॉमा बिटवीन आइटम्स का यूज होता है आफ्टर इंट्रोडक्टरी, ये वही ऊपर वाले सारे रूल्स दोबारा बताए गए हैं कि आप इन रूल्स को यूज करते हुए ना पहले जगह ढूंढे कि कॉमा आपका लगना किधर है। देखें पहला प्रैक्टिस आई थिंक ये आपकी, ग्लेयरिंग अराउंड द रूम द बॉस डिमांड साइलेंस। अब आपको पूछ रहा है कि ये कौन सा आपका रूल है पांचों में से, कि रूम के अराउंड पे उसके साइडों पे ग्लेयर करते हुए, उसको ग्लेयर कहते हैं ना घूरना, तो बॉस डिमांड साइलेंस, मतलब कि वो बॉस जो है टीचर या इंस्ट्रक्टर क्लास में बच्चों को घूरे तो इसका ये मतलब है ना कि वो शोर कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है वो चुप कर जो, द बॉस डिमांड द साइलेंस। अब ये देखें, ये इंट्रोडक्टिव मटेरियल वाला है सेंटेंस, क्योंकि बॉस साइलेंट डिमांड कर रहा है, कौन सा बॉस कर रहा है, जो बॉस रूम में ग्लेयर कर रहा है यानी कि घूर रहा है, ये बॉस का इंट्रोडक्शन हो गया। रूम के बाद हम कॉमा लगा देंगे और बाकी बात बाद में, ठीक है, ये इंट्रोडक्टिव मटीरियल वाला है। नेक्स्ट देखें, आई हर्ड अ हॉर्न ब्लोइंग सो आई ग्लैंस्ड अप एट माई रिव्यू मिरर, कि मैंने एक हर्ड अ हॉर्न ब्लोइंग, मैंने एक वो हॉर्न होते हैं ना जिसको कहते हैं घोड़े की वो होती है जो, मतलब उसकी आवाज़ सुनी और फिर मैंने क्या किया, मैंने ग्लैंस अप एट माई रिव्यू मिरर, तो मैंने अपने रिव्यू मिरर की तरफ देखा, उसकी तरफ झांका, ग्लैंस का मतलब है। ये आपका जो है, आपका हमने फोर्थ जो रूल पढ़ा उसका, उसके मुताबिक है। फोर्थ हमने रूल कौन सा पढ़ा था, ये बच्चों हमने जो रूल पढ़ा ना कि हम कंजक्शन से पहले जो, जहाँ हम टू कंप्लीट थॉट्स को मतलब अलहदा अलहदा एक दूसरे से करते हैं, ये वो वाला है सेकंड वाला। ब्लोइंग के बाद कि मैंने हॉर ब्लोइंग जो सुनी, कॉमा लग गया, तो फिर क्या हुआ, मैंने रिवर मिरर की तरफ देखा, तो इसमें आई भी है, ग्लैंस भी है और पहले में भी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो हम सो से पहले कॉमा पुट करेंगे, ठीक है। ये जो कंप्लीट टू कंप्लीट थॉट्स को अलहदा अलहदा करते हैं ना, ये वो वाला सेंटेंस है। ऊपर से आप नाम देख लीजिएगा एग्जैक्टली, तो द प्रोफेसर वुड नॉट लीव द हाउस विदाउट हिज हैट, जो प्रोफेसर है वो घर से नहीं जाता अपनी हैट के बगैर, और हिज ब्रीफ केस एंड हिज अम्ब्रेला, अपने ब्रीफ केस और अम्ब्रेला के बगैर। ये वो सीरीज वाला जो हमने फर्स्ट नहीं किया उसका रूल, देखे ना, हैट के बगैर नहीं जाता, हिज हैट कॉमा लगाएंगे, सीरीज है चीजों की, हैट भी, ब्रीफ केस भी, अम्ब्रेला, तीन चीजें ना, हैट कॉमा, हिज ब्रीफ केस कॉमा एंड हिज अम्ब्रेला, ओके। द सिटी चिल्ड्रन, जो सिटी के बच्चे हैं, unused to the darkness of the forest found it hard to sleep, तो वो क्योंकि डार्कनेस ऑफ फॉरेस्ट है, उसके अनयूज्ड है, मतलब उनको आदत नहीं है जो जंगल की है उसकी डार्कनेस में सोने की या उसको महसूस करने की, उससे उनको डर लगता है, तो इसलिए उनके लिए सोना जो है हार्ड टू स्लीप, सोना मुश्किल है। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक किस्म का इंट्रोडक्शन हो रहा है ये पहले, कि जो सिटी चिल्ड्रन है वो, ठीक है, अनयूज्ड टू द डार्कनेस ऑफ द, इसमें ऐसे आप करेंगे, इसमें द सिटी चिल्ड्रन अनयूज टू द डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट, सॉरी ऐसे गला खुश्क हो रहा है, वेल ऑफ द फॉरेस्ट के बाद आप कॉमा पुट करेंगे, साउंड इट हार्ड टू स्लीप, तो उस आवाज से उनके लिए मुश्किल था कि वो सोएं। द मैन विस्पर्ड, आदमी ने सरगोशी की, अगेन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो हमने फिफ्थ लास्ट रूल पढ़ा था, विस्पर्ड के बाद आप कॉमा लगा देंगे और ये फिर आगे डायरेक्ट स्पीच। दैट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, पोस्ट ऑफ इन चल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।